कच्चे आम दिए थे बोसे के नीचे पकने के लिए, अबे निकाले हैं, पक गए हैं। ये देखें कुछ का कलर भी चेंज हो गया। अस्सलाम वालेकुम, चुप करो भाई। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत मेहरबानी। सुबह का टाइम है और परिंदा काफी हो गए इकट्ठे, क्योंकि है ठंडा मौसम, ऊपर छाए हुए हैं बादल और ठंडी हवा चल रही है। कैसे आवाजें निकाल रहे हैं। रात को बनाया था कड़ी पकौड़ा, काफी मजे का बना था। अभी कड़ी पकौड़े के साथ ही रोटी खाने लगा हूँ। माशाल्लाह जबरदस्त भाई, जबरदस्त हो गया। चलो भाई, और साथ में घर की ताज़ा लस्सी। अभी 7:30 का टाइम है और जल्द ही तवे पे आज रोटियां बना ली हैं, तो भी कुछ खा रहे हैं, कुछ खाने लगे हैं और मैं भी खाने लगा हूँ। खाने के बाद एक कौली चाय। आय हाय, आपने कभी खाना खाने के बाद इस तरह के बर्तन में चाय पी है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक अजीब ही फीलिंग है इसमें चाय पीने की। 4-5 दिन पहले हमने कच्चे आम दिए थे बोसे के नीचे पकने के लिए, अभी निकाले हैं तो भाई कह रहे हैं पक गए हैं। ये देखें कुछ का कलर भी चेंज हो गया। पक गए हैं, मेरे ख्याल में ये कलर चेंज से ही पता चल रहा है कि पक गए हैं। कुछ ख़राब भी हो गए, ये देखें कुछ कच्चे भी रह गए। बीज जो साफ़ है इनको पानी में रखते हैं और धुलाई करते हैं और खाते हैं। हाँ जी भाई, खाएंगे जी, माशाल्लाह खाएंगे। अभी खाते हैं आम, काफ़ी पका हुआ मिला है। जो मंडी से पेटियां वगैरह आती हैं और दुकानों पे भी सेल करते हैं, वो भी इसी तरह डब्बे में रख देते हैं और एक पुड़ी सी होती है वो उसमें डाल देते हैं और वो रास्ते में पकते आते हैं। पहले तो कच्चे ही डालते हैं आम। पूरा तरीका हमारा डिफरेंट है, हमने पोसे में किए हैं। आज हमारी लाइट बिल्कुल अच्छा वर्क कर रही है, 226 यूनिट आ रहे हैं और थोड़ा सा ठंडा मौसम होने की वजह से आज लाइट भी नहीं गई। कुछ देर पहले ही धूप निकली है, लेकिन इतनी तपश नहीं है धूप की। बारिश की वजह से ज़मीन हो चुकी है ठंडी। अभी ऊपर क्लियर हो गया आसमान बिल्कुल। फ्रीज़र में से ये कुछ शरबत मिल गया है भाई, कल बनाया था मेरे ख्याल में, अभी हम भी पीते हैं। बाजू आप मेरे देख सकते हो गए ऊपर किए हुए हैं, क्योंकि अभी वजू किया है और नमाज अदा करते हैं सुहर की। गर्मी में पंखे के आगे रश लगा रहता है और अभी चार पहियाँ बिल्कुल खाली। मौसम ही है, चेंज हो जाता है, बंदा पंखे के आगे बैठ जाता है और फिर चेंज हो जाता है, बंदा पंखे से दूर भागता है। सुबह जब आम निकाले थे मैंने एक ही टेस्ट किया था बस, अभी इरादा है 2-3 टेस्ट करते हैं जी। ये 3 आम लिए हैं। बारिश पड़ने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया फसलों को भी और काफ़ी जगह घास भी उग गया, चारा काफ़ी कम हो गया था, बारिश से मज़ीद बढ़ गया। वहाँ पर कुछ घास हो गया है, हमने कहा ज़ाया क्यों हो, गधे को बांध दिया है ताकि उसका भी फ़ायदा हो जाए। हमारी भिंडी तुरी देखें कहाँ से कहाँ जा रही है। तंबाकू देखें माशाल्लाह कैसे चमक रहा है। एक तो बार बुदियाने गोड्डी की है लेकिन फिर से घास हो गया है बारिश की वजह से। इधर हमारी दूसरी सब्जी है, ये कुछ वेलें लगाई थी तो माशाल्लाह तैयार हो गई हैं। ये तो हैं कद्दू, इधर टिंडे हैं, यहाँ पर एक भुट्टों की वेल, पता नहीं चलता कौन सी भुट्टों की है कौन सी तरों की है, और एक और चीज़ है माशाल्लाह अभी भी हल्की हल्की आवाज़ चल रही है। कौन सी सब्जी कितनी होती है, कौन सी ज़्यादा होती है, कौन सी कम, अम्मी जान को ज़्यादा पता है क्योंकि वो सुबह आके तोड़ती हैं यहाँ से। हमारी मकई देखें माशाल्लाह, इधर से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और इधर से छोटी, क्योंकि इधर बांस है उसके पत्ते वगैरह गिरते रहते हैं इसलिए कम हुई है। वैसे तो ये सारी ज़मीन को आली भी डाली हुई है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा फसल जो है बेहतर होगी पहले की नस्बत। यहाँ पर गधे की लग गई मौज, क्योंकि इसको हरी हरी घास मिल गई और कमाद भी काफ़ी ग्रो कर गया, कुछ यहाँ से स्टार्ट हुआ और माशाल्लाह यहाँ तक आ गया। सुबह करता हूँ मैं घर का काम, इसलिए मैं खेत में नहीं आ सका। भाई लोग यहाँ पर कुछ बीज वगैरह निकालते रहे हैं, ये काफ़ी ढेर लग गया बड़ा। इधर से ये कुछ बाकी है, तकरीबन कल ये भी हो जाएगा ख़त्म। ये कुछ अजाफी पड़ा है, बिल्कुल सूख चुका है। जब इसको अच्छी तरह 2-3 धूपें लग जाएंगी फिर मशीन से बीज निकाल लेंगे। आज भाई लोगों ने काफ़ी हिम्मत की है क्योंकि आज ठंडा मौसम था और काफ़ी हद तक काम को कर दिया है ख़त्म। अभी मैं तलाश करने आया था ये बैग, भाई जाने लगे हैं टूर पे तो बैग की तलाश कर रहे थे। इसकी जिप का थोड़ा मसला है, ये ठीक करवा लेंगे, बाकी तो ये है ओके। लें जी, भाई ने कुछ सूट निकाले हैं। कितने भाई सूट हो गए आपके? सूट मेरे 3, 2, 5, 5 ये हो गए और 1-2 अंदर भी पड़े हैं 8। काफ़ी भाई का लॉन्ग टूर है तो फिर कपड़े ज़्यादा होने ज़रूरी हैं। ये भाई ने 2-3 सूट निकाले हैं, ये प्रेस होने के लिए देंगे, अभी चलने लगे हैं। अभी आए थे A1 ड्राई क्लीनर के, यहाँ पर कपड़े भाई के दे दिए हैं, कपड़ों को लगानी है माया, 3 दिन बाद मिल जाएंगे हमें। अभी आए हैं दर्जी के पास, भाई का एक सूट दिया हुआ था सिलाई के लिए वो लेना है। भाई का सूट मिलेगा कल, दर्जी कह रहा है कल आपको मिल जाएगा शाम टाइम। यहाँ से लेने आए हैं कुछ सब्ज़ी, अरबी ली है, मेरे चलाया लाओ भाई।
अभी लिया है जी घी भाई ने। कितने का मिला है भाई एक पैकेट? 1160 रुपए के दोनों हैं। सलवा लिया है घी, पहले लेते हैं सलवा ऑयल 1160 रुपए के दो पैकेट। क्या किया जाए अभी? बूंदियों का मौसम फिर से आ चुका है। जाते टाइम भी भाई की आंख में बूंदी पड़ गई और अभी भी यहाँ पर इतना ज्यादा धूल होता था। अभी बारिश के बाद चेक करें, धूल बिल्कुल हो गया खत्म। माशाल्लाह अभी चाचू जी से लिया है समोसा। ये कुछ पिंडी तोरी बड़ी बड़ी भी लगी हुई है, काफ़ी बड़ी हो गई। ये तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये बकरियों को डाल देंगे। जो छोटी छोटी है वो घर में पका लेंगे। छापर हाथ में इसलिए डाला क्योंकि इसके कांटे हाथों में काफ़ी चुभते हैं। पिछली बार भाई ने तोड़ी थी बगैर छापर के, भाई के सारी रात ही हाथ पर खारिश आती रही। अभी जल्दी से ये काम जो है ख़त्म करते हैं। भाई ने भी छापर डाल लिया और मैंने भी हाथों पर डाला हुआ तो छापर काफ़ी हबस बन गई, पसीना आ गया। ये लाइन सारी तोड़ ली है, ये लाइन भी तोड़ ली। अभी भाई वो एंड तक तोड़ के ले आएंगे। भाई बहुत जल्द एक टूर लगाने वाले हैं, उसकी तैयारी चल रही है, दो चार दिन तक निकल जाएंगे। बांसों में काफ़ी ज़्यादा लचक होती है, वो देखें काफ़ी नीचे झुक गया है, नीचे टच हो रहा है। साहिवाल भी हम गए थे बांसों के नीचे ही बैठे रहे। बांसों की छांव बहुत ज़्यादा घनी होती है और ठंडी हवा लगती है, गर्मी में भी यहाँ पर काफ़ी सुकून होता है। अभी कुछ दिनों में सब्जी को स्प्रे भी करेंगे लाजमी, जैसे स्प्रे होगी तो फिर ज़्यादा बढ़ेगी ये, क्योंकि बारिश हुई है, पानी भी इसे लग चुका है, अभी बस स्प्रे की ज़रूरत है इसे। ये वेल देखें इसके ऊपर कैसे फूल लगे हुए हैं, ये भी किसी चीज़ की होगी यार, टूट गया वैसे ही, बिल्कुल नाजुक से फूल हैं, हाथ लगाते ही हाथ में आ गया। ऐसे ही पहले फूल लगते हैं फिर जिस चीज़ की बेल हो वो चीज़ ऊपर फल वगैरह जो भी लग जाता है। अभी माशाल्लाह हमारी एक फुट भी लगी हुई है, इतनी कुछ कुछ दिनों में इंशाल्लाह फुट्टे तैयार हो जाएंगी। ये लेकर आए थे टोकरी प्लास्टिक की, ये फुल भर चुकी है क्योंकि दो चार दिन हो गए हमने तोरी भिंडी तोड़ी ही नहीं। बाकी सब्जी थोड़ी लो है, जो भिंडी है वो काफ़ी हमारी लगती है। ये है मेरी छोटी सी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाथ एक है बिजी। अल्लाह हाफिज़।